नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 का विज्ञान विषय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहला अध्याय भोजन एवं मानव स्वास्थ्य को लेकर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे खाद्य पदार्थों में मिलावट के बारे में। खाद्य पदार्थ जो है उसमें मिलावट से क्या क्या दुष्परिणाम, क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज की स्थिति यह है कि एक अनुमान के अनुसार भारत के अंदर लगभग 30-40% जो खाद्य पदार्थ है उसके अंदर मिलावट की जा रही है, और मिलावट इस कदर की जा रही है कि इंसान को परवाह नहीं है कि उस जो कार्य कर रहा है उसे क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं। उनको केवल पैसे कमाने, क्योंकि आर्थिक युग है, अर्थ की यानी रुपए पैसे कमाने की दौड़ में इंसान इतना अंधा हो चुका है कि वो सब कुछ भूल गया है कि उसके इस कार्य से लोगों को कितना नुकसान पहुंच रहा है, समाज कितना परेशान हो रहा है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं खाद्य पदार्थों में किस प्रकार की मिलावट की जाती है, क्या क्या उसके अंदर मिलाए जाते हैं, उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, किस किस पदार्थ के अंदर क्या क्या मिलाया जाता है, वो आज हम सब इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में, शीतल पेय पदार्थ। ठीक है, आप देखो एकदम खुलता नहीं खुलता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स हर किराना स्टोर पर उपलब्ध है, हर छोटे से छोटे क्षेत्र में ये मिल जाएगा, और गर्मी का मौसम भी है, बहुत ज्यादा इसकी चलन बढ़ेगा। अभी लॉकडाउन है, जैसे ही खुलेगा आप देखना इसका चलन बढ़ेगा बहुत ज्यादा। देखो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या क्या पदार्थ मिलाए जाने चाहिए, कितनी मात्रा में मिलाने जाने चाहिए, इस तरह का जो मानक है, कोई मात्रा हमारे भारत के अंदर निर्धारित नहीं है। सरकार ने भी अभी तक इस पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया है, किसी प्रकार का मानक जो है भारत के अंदर नहीं है कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर किस प्रकार के पदार्थ क्या क्या मिलाने होने चाहिए या कितनी मात्रा में मिलने चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या क्या मिलाया जाना चाहिए। लिंडेन क्या क्या इसके अंदर मिला होता है, देखो लिंडेन या जिसे हम BHC भी कहते हैं, लिंडेन या BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, एक इसका दूसरा और नाम है गेमेक्सेन। देखो ये एक कीटनाशक है, ये एक कीटनाशक है, और अमेरिका जैसे देशों में ये बैन किया गया है, यानी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। वैसे इसका उपयोग फसलों पर कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है, और इस प्रकार का पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाया जा रहा है, तो आप सोच सकते हो ये कितना घातक हो सकता है। ठीक है, लिंडेन DDT, DDT क्या होता है, डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, DDT डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, मैलेथियन क्लोरपाइरीफॉस, ये जो देखो रासायनिक पदार्थ है, लिंडेन है, DDT है, मैलेथियन है, क्लोरपाइरीफॉस है, इनसे क्या क्या रोग हो सकते हैं। देखो कैंसर हो सकता है, स्नायु का मतलब आपका जो रीढ़ की जो पीछे की जो हड्डी है उसके अंदर जो तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, स्नायु, प्रजनन रोग यानी बांझपन आ सकता है, बच्चे पैदा नहीं होंगे इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, बांझपन भी इससे आ सकता है। अगला था देखो फॉस्फोरिक अम्ल, ये एक एसिड है फॉस्फोरिक अम्ल। ठीक है, ये इतना घातक अम्ल होता है कि लोहे को गला सकता है, और इस प्रकार का अगर एसिड सोचो हमारे शरीर में जाएगा तो किस प्रकार के नुकसान करेगा। ठीक है, तो ये फॉस्फोरिक अम्ल क्या करता है, दांतों को गला देता है, क्या करता है, दांतों को गला देता है। अगला था एथिलीन ग्लाइकोन, जिसे सामान्य भाषा में मीठा जहर कहते हैं, देख सकते हो कितना घातक है, नाम ही जहर है, एथिलीन ग्लाइकोन जिसे क्या कहते हैं, मीठा जहर कहते हैं। इसे देखो अगर आप मनाली की तरफ जाओगे, शिमला की तरफ जाओगे या कश्मीर की तरफ जाओगे, तो वहां जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों का जो रेडिएटर होता है, उस गाड़ियों के रेडिएटर में पानी के साथ इसको मिलाया जाता है, क्योंकि वहां देखो तापमान बहुत कम होता है, जिस वजह से पानी क्या हो जाता है, जम जाता है रेडिएटर के अंदर, जिससे गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो पाती है। इसलिए उस पानी को जमने से रोकने के लिए उन गाड़ियों में इस एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है, और इसी एथिलीन ग्लाइकोल को कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी मिलाते हैं, क्योंकि जब उसको फ्रीज के अंदर रखेंगे तो वो जमे नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार का पदार्थ उसके अंदर मिलाया जाता है, कौन सा, एथिलीन ग्लाइकोल, जिसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, मीठा जहर कहते हैं। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि पानी को 0 डिग्री पर जमने से रोकता है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर पानी तो होता ही है, तो उसको जमने से क्या करता है, ये रोकता है। और क्या होता है, देखो बोरिक अम्ल, एरिथ्रोबोरिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, इस प्रकार के अम्ल होते हैं, ये क्या करते हैं, देखो पेट में जलन करते हैं, खट्टी डकारे आती है, दिमाग में सनसनी हो जाती है आदमी की। ठीक है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, छोटी छोटी बातों को चिढ़ने लग जाता है, इस प्रकार से दिमाग में सनसनी, खट्टी डकार आती है कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद। ठीक है, अगला था देखो शीशा मिलाया जाता है, इसके अंदर लेड कितना, 0.4 PPM, पार्ट्स पर मिलियन, PPM का मतलब क्या था, पार्ट्स पर मिलियन शीशा इसके अंदर मिलाया जाता है। क्या करता है, देखो शीशा मस्तिष्क को क्या करता है, बीमारी पैदा करता है, गुर्दे खराब हो जाते हैं, लिवर खराब हो जाता है, मांसपेशियों पर घातक प्रभाव पड़ता है, ये मांसपेशियां जो जॉइंटों में क्यों होने लगता है, दर्द होने लगता है, इस प्रकार से बहुत ज्यादा घातक। अगला था कैफीन, कैफीन भी एक मादक पदार्थ होता है, देखो ठीक है, इससे अनिद्रा, व्यक्ति को नींद नहीं आती है, सिर दर्द होने लगता है, तो इस प्रकार से ये कोल्ड ड्रिंक्स के ये क्या हो गए, हानिकारक प्रभाव हो गए। एक सीधा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर आप इसका प्रयोग करना ही चाहते हो, घर में जो कोल्ड आपकी जो टॉयलेट सीट है, आप एक काम कीजिए कि ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लेके आइए, और जो टॉयलेट सीट है उसके ऊपर आप कोल्ड ड्रिंक्स को खाली करके देखिए,
वो टॉयलेट सीट क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। तो सोच सकते हो कि इसके अंदर कितना घातक रासायनिक पदार्थ होता है। वो टॉयलेट सीट को अगर साफ कर देते हैं, सोचो अगर वही कोल्ड ड्रिंक्स अगर हमारे शरीर में जाएगी तो हमारे हड्डियों का क्या हाल करेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में कि इसमें किस किस प्रकार के पदार्थ मिलाए जा रहे हैं और हमारे ऊपर ये किस प्रकार के प्रभाव डालते हैं। हैरत की बात तो यह कि इस प्रकार इसका कोई मानक निर्धारित नहीं है भारत सरकार के द्वारा कि इसके अंदर कितना पदार्थ किस मात्रा में मिलाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि किस पदार्थ में किस किस प्रकार की और मिलावट की जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे दूध, दूध देखो जिस दूध का नाम आते हैं हम देखते हैं भी ये एक स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ है, हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक पेय पदार्थ है, बहुत महंगा भी मिलता है। इसके बारे में हम कई बातें सुनते भी हैं कि इस प्रकार की मिलावट हो रही है। पानी की मिलावट तो चलो आम बात है, लेकिन इसके अलावा भी जो किस प्रकार की मिलावट की जाती है वो हम देखते हैं। देखो कृत्रिम दूध बनाया जा रहा है, संश्लेषित दूध, आर्टिफिशियल मिल्क, देखो क्या क्या मिलाते हैं दूध के अंदर, देखो यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड तेल, इस प्रकार के पदार्थ मिलाए जा रहे हैं। यानी स्वास्थ्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है हम सोच ही नहीं सकते। दूध के अंदर क्या क्या मिलाया जा रहा है देखो, ये यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर, रिफाइंड तेल, इस प्रकार की चीजें उसके अंदर मिलाई जा रही है। अगला था देखो सरसों का तेल जो होता है जिसके मालिश करने के लिए उपयोग में लेते हैं हम, सरसों के तेल में देखो क्या मिला रहे हैं, बहुत सारे लोग इसकी सब्जी में भी इसका उपयोग करते हैं। देखो सत्यनासी के बीज या जिसे हम आर्जिमोन बोलते हैं, सत्यनासी के बीज और सस्ता पाम ऑयल, सस्ता पाम ऑयल और सत्यनासी या आर्जिमोन के बीज, सत्यनासी जिसे हम आर्जिमोन भी कहते हैं, उसके बीज सरसों के तेल में मिला रहे हैं। देखो मिर्च का जो पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर, उसके अंदर क्या मिला रहे हैं, ईंट का चूरा, ईंट का चूरा मिला रहे हैं। जो सौंफ जो होती है उस पर कृत्रिम हरा रंग यानी उसके रंग की हरे रंग की छिड़काव कर दी जाती है और आपको कह देते हैं कि फ्रेश है ये। काली मिर्च में क्या मिला रहे हैं देखो, पपीते के बीज, काली मिर्च में क्या मिलाया जा रहा है, पपीते के बीज मिलाए जा रहे हैं। अगला देखो हल्दी, हल्दी के अंदर क्या मिला रहे हैं, लेड क्रोमेट, पीली मिट्टी, लेड क्रोमेट और पीली मिट्टी जैसे पदार्थ हल्दी के अंदर मिलाए जा रहे हैं। अगला हम देखते हो धनिया व मिर्च, धनिया व मिर्च में क्या मिलाया जा रहा है, गंधक यानी सल्फर, धनिया और मिर्च के अंदर क्या मिलाया जा रहा है, सल्फर मिलाया जा रहा है। अगला देखो फल व सब्जियों का चटंग रंग, यानी फल व सब्जियों को अच्छा दिखाने के लिए, फ्रेश दिखाने के लिए, फल व सब्जियों के रंग को चटक रखने के लिए, बिल्कुल ऐसे की फल और सब्जी एकदम क्या दिखे, फ्रेश दिखे, नई नई ताजा दिखे, उसके लिए उसमें क्या मिलाते हैं देखो, किसका छिड़काव करते हैं, लेड, लेड का मतलब सीसा, कॉपर यानी तांबा, लेड वे कॉपर के विलयन का छिड़काव किया जाता है। फल वे सब्जी को फ्रेश दिखाने के लिए, ताजा दिखाने के लिए किसका छिड़काव करते हैं, लेड वे कॉपर विलयन का छिड़काव किया जाता है। अगला देखो जो गोभी है, देखो गोभी की सफेदी के लिए, गोभी को सफेद दिखाने के लिए क्या करते हैं देखो, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन छिड़का जाता है। जो फूल गोभी जो आती है उसको सफेद दिखाने के लिए किसका छिड़काव करते हैं, उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। अगला देखो बेसन जो होता है, बेसन में क्या मिलाया जा रहा है, मक्के का आटा मिलाया जा रहा है, बेसन के अंदर मक्के का आटा मिलाया जा रहा है। अगला चने व अरहर की दाल, चने और अरहर की दाल में क्या मिलाई जा रही है, खंसारी की दाल मिलाई जा रही है, चने और अरहर की दाल में क्या मिलाई जा रही है, खंसारी की दाल मिलाई जा रही है। चावल में क्या मिलाया जा रहा है, चावल पर रंग की पॉलिश की जा रही है, बनावटी रंग की पॉलिश की जा रही है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक वीडियो भी आया था कि प्लास्टिक के चावल बन रहे हैं, तो हद हो गई मिलाने की। अब देखो इन सभी बातों को रोकने के लिए, सभी क्रियाओं को रोकने के लिए, इस प्रकार की जो मिलावट है इनको रोकने के लिए सरकार समय समय पर अधिनियम बनाती रही है, सरकार एक्शन लेती रही है। तो इसी को लिए देखो सन 1954 में एक एक्ट बनाया गया था PFA, जिसका क्या नाम है, खाद्य अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, खाद्य अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम बनाया गया, जो लगभग 65 प्रकार के खाद्य पदार्थों पर लागू होता है कि इस प्रकार इन खाद्य पदार्थों पर अगर कोई भी व्यक्ति अगर मान लो किसी प्रकार की मिलावट करेगा तो उसमें सजा का प्रावधान है। लेकिन हद तो यह होगी कि इस प्रकार की मिलावट भी हो रही है, उस पर कार्यवाही भी हो रही है, लेकिन पैसे के प्रभाव में वो लोग फिर से छूट जाते हैं और फिर से इसी धंधे में लिप्त हो जाते हैं। जब तक आमजन सतर्क नहीं होगा, हम जब तक सतर्क नहीं होंगे तब तक इस प्रकार की मिलावट चलती रहेगी। हमें समझने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, एक अच्छी चीजों का उपयोग करें और आपके आसपास जब भी आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा था इसका विरोध करें और घर में रहकर पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।